नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश में हर्षोल्लास के साथ तिरंगा लहराया जा रहा है। एक आम नागरिक से लेकर नेता तक इसमें जुटे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी झंडा उत्तोलन किया और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। और आज ही के दिन से 1950 से संविधान को लागू किया गया और इसलिए गणतंत्र दिवस की अपनी एक बहुत बड़ी महत्ता है। पर आप जानते ही हैं कि आज के दिन जो भी महामहिम राज्यपाल के द्वारा इस कार्यक्रम को किया जाता है और सभी जिलों में जो प्रभारी मंत्री हैं वो सब जाते हैं, चारों तरफ ये सब तरह कार्यक्रम होता है। अब पिछले दौर में जो कोरोना का दौर होता था तो उसके चलते जरा सा लोगों को भी रोक दिया जाता था, कार्यक्रम तो होता ही था, लेकिन इस बार सब लोगों को इजाज़त दी गई है और देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में सब लोग आज यहाँ भी आए, तो बड़ा अच्छा लगा, सब उपस्थित रहे। इसी तरह से पूरे बिहार में ये कार्यक्रम किया गया और आज जो हमारे गवर्नर साहब हैं उन्होंने बिहार में कुछ भी काम किया गया है, किया जा रहा है पिछले समय में, और महिलाओं से लेकर के समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है, उन सब चीज़ों की इन्होंने चर्चा कर दी है। तो आज के अवसर पर जो भी विकास का काम होता है और जो सब लोगों के लिए किया जाता है उन सबकी चर्चा की जाती है, तो आज तो हुआ ही है, इसलिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ और आज के दिन सबको पूरा बुलंदी के साथ इस अवसर को मनाना चाहिए और ये अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। सर, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऐसे कैसे चले जाएंगे, बड़े भाई हिस्सा हमको चाहिए। नहीं, क्या बोलते हैं इन सब चीजों का कोई महागठबंधन बना है तो हम लोग तो सर सारे लोग जो कुछ भी होता है सब चीज को देखा जाता है। सर, इधर सर, जब कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है तो भाई तो उसको देखा ही जाता है। और हम लोग तो जो कुछ भी है सबको कितना मदद कर रहे हैं, जितने लोगों को मान्यता मिल गई है और पहले जितना मिला हुआ था बाद में हम लोगों ने बहुतों को दिया है और कितनी सहायता दे रहे हैं और उसी तरह से सहायता दे रहे हैं जो अन्य स्कूलों को मिलता है। लेकिन अब कोई कोर्ट में गया और कोर्ट के द्वारा कुछ बात हुई है तो सब चीज़ को लोग देखेंगे, वो तो एक अलग विषय है। सर, लेकिन हम लोग का कोई कि हमको हिस्सा चाहिए, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा मांग रहे हैं। अरे क्या बात आप करते हैं भाई, सब चीज काहे के लिए बोल रहे हो? देखिए सब कुछ चर्चा मत करिए, कोई मतलब नहीं है, उन्हीं से पूछिए कि आप 3 बार के बाद फिर लौट करके पार्टी में आए, सब आपको इज्जत दिया, सब कुछ किया है, क्या है नहीं करना बात न करेंगे जी, भला मीडिया के सामने और कहीं कोई मैंने इसको मैंने ट्वीट करके कोई बात करता, ये सब नहीं किया जाता। गलत कोई कर भी पार्टी नहीं, नहीं देखिए पार्टी के अंदर जो बात होता है लोग आपस में बात करते हैं, कहीं ट्वीट करके कोई बात करता है, समझते हैं? आज तक कहीं सुने हैं कोई भी पार्टी में जो रहते हैं वो ट्वीट करके कुछ बोलते हैं? आप समझ लीजिए सब नहीं होता है। जाने का मन बना लिए हैं, तो क्या मन है वो जाने, आए वो हम लोग स्वागत किए, रहे बहुत अच्छा, नहीं रहे कहीं और जाए अपनी इच्छा, इन सब चीजों पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इन सब विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। पार्टी के अंदर तो हमेशा लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई भी पार्टी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का, तो उसमें बात होती है, इसके लिए कोई मीडिया से बात नहीं होती। मीडिया के अंदर कोई बात आती है तो आप समझ लीजिए लोग ट्वीट कर रहा है तो कुछ बात होगा, तब जाने हमको कुछ नहीं करना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े सवालों को टालते रहे
और कहा कि उन्हें जो भी बोलना है पार्टी फोरम के प्लेटफॉर्म पर बोले, मीडिया में और ट्वीट कर कोई अपनी बात नहीं रखता। तो मुख्यमंत्री ने जहां उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दी, वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, महागठबंधन के नियमों को तोड़ता है, तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई ही करेगी, और क्या कर सकती है। देखिए किस तरह दो टूक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुशवाहा को चेताया। आप अरे भाई, कोई अगर पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम करेगा अलोक तो पार्टी तो कार्रवाई करेगी ना भाई, अलोक हाथ नीचे करो। तो ये सब तो कहीं भी आपने देखा होगा, कोई अगर कुछ बोलेगा तो पार्टी उसी हिसाब से देखती है।